एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा चक्कर लाई देगा सब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया, he's 10-10। और भाई लौंडो क्या चल रहा है, जैसे कि तुम लोगों ने गाना सुन ही लिया होगा और तुमको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। यस, अपने सबके फेवरेट बेन टेनिसन। ठीक है, आज बहुत ही ओपी और हाई ग्राफिक वाले गेम आने वाले हैं जिसको खेल के आप लोगों को बड़े ही मजे आ जाएंगे, बड़ा ही आनंद आ जाएगा। ठीक है, और बेन टेन भाई किसको नहीं पसंद यार, मेरा तो पर्सनली फेवरेट है। और इसमें कोई रैंक वगैरह वाले वो नहीं है कि 5-4-3 ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। और पर्सनल फेवरेट रैंक मेरे जैसे मैं चाहता हूँ, मतलब जैसा मेरे को अच्छे लगते हैं ना जिस टाइप से, तो मैंने उसी टाइप से इस गेम्स को रखा। और भाई सारी हाई ग्राफिक गेम होने वाले हैं, और क्या नाम है, अगर इनको डाउनलोड करना है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में तो लिंक नहीं मिलेगी, आपको कमेंट बॉक्स में आके बता देना। लेट्स रोल द इंट्रो। इसी के साथ अपना पहला गेम आ जाता है बेन टेन प्रोटेक्ट ऑफ अर्थ, जो कि काफी ओपी होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपको देखो, तुम लोगों ने देखा ही होगा प्रोटेक्ट ऑफ अर्थ जो बचपन में बेन टेन की सीरीज आई थी एक। देखो वैसे ना बाकी गेम के हिसाब से इस गेम से तुम लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन इसके कट सीन्स भाई, ओ भाई क्या सीन्स है, इसके कट सीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। इसके और भी काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें आप कर सकते हो, जैसे कि इसके अंदर फोर आर्म है, एक्स्ट्रा लेट है, मतलब पुराने जो वो आते हैं ना, पुराने वाले एलियन जो थे वो सारे आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं भाई। बेन टेन बेन टेन तो खुद बेन टेन है, वो क्या नाम है, एक्स्ट्रा लेट हो गया, हीट ब्लास्ट हो गया, और डायमंड नाइट हो गया, मतलब काफ़ी सारे ऐसे एलियन जो आपके पुराने ताजा होकर यादा कर देंगे। और विलगैक्स भाई, विलगैक्स तो ओपी है यार कसम से, सारे गेमों में ना विलगैक्स तो सभी गेमों में होने वाला है, क्योंकि तुमको पता है बेन टेन का एकमात्र विलन था विलगैक्स। ठीक है, इसके अंदर विलगैक्स से काफ़ी ज़्यादा चमचे भी होने वाले हैं, और चमचों का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, तुम लोगों को मालूम है। और भाई ये बंदा ऐसा था ना जिससे मुझे बचपन में रियली डर लगता था यार, घोष फ्रीक था आई थिंक इसका नाम है ना। हाँ, ये बेंटन को बेचारा हमेशा ये बेंटन को परेशान करता था, बेंटन का ही एक एलियन था, लेकिन उसकी वॉच से कभी भी भाग जाता था, और ये कभी बेंटन को अपनी मर्जी चलाने ही नहीं देता था भाई। बेंटन इसलिए इसको यूज़ भी नहीं करता था, तुम लोगों को शायद जिसको पता ही होगा। और देखो भाई, फोरआर्म नीचे से पत्थर निकाल के फेंकता, ये पता नहीं वो फेंकता कहाँ से, ये मत पूछना। और इसमें देखो ये वाला बी मैन इसके अंदर मतलब कॉकरोच वगैरह पता नहीं किस किस को अपने अंदर घुसा लेता था। और भाई ग्राफिक काफी अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन इसके ना सिर्फ कट सीन्स में आपको ज्यादा मजे आएंगे वैसे, लेकिन खेल सकते हो, काफी अच्छा गेम है। मैंने पर्सनली इस गेम को काफी ज्यादा खेला है। देखो ओ दबाने से मतलब इसमें आपको लिटरली बटन दबाते रहने होंगे, और PPSSP के गेम है ये, तो आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे गेम लेकिन 1GB से बड़े ही होने वाले हैं, बहुत कम ही गेम होंगे जो 1GB से नीचे में होंगे। ठीक है, काफी सारे गेम 1GB से ऊपर के ही होने वाले, क्योंकि भाई वीडियो ही हाई ग्राफिक गेम को लेकर बना रहा। देखो एक्स्ट्रा लेट, अब देखना इसके मुंह पे कितनी खतरनाक तरीके से लाते पड़ेंगे भाई। चलो इसी के साथ अपने नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बेन टेन अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब ये गेम काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, तुम लोग इसके ग्राफिक देख ही सकते हो, काफी हाई ग्राफिक्स में मिल जाएंगे। उससे बड़ी बात भाई, काफी सारे अल्टीमेट एलियन इसके अंदर मिल जाएंगे आपको, बेन टेन के 10 एलियन तो मिलने ही वाले हैं उसके साथ अल्टीमेट एलियन। ओ भाई क्या एलियंस हैं यार, इस गेम को पर्सनली मैंने इतनी बार कंप्लीट किया हुआ है ना कि तुम लोग सोचोगे नहीं। बेन टेन का इतना बड़ा वाला फैन था ना, इतना बड़ा वाला पंखा था, पूछो मत। ये देखो इसके अंदर आपको डॉक्टर मिल जाएगा, बाद में ना डॉक्टर अपने पांचों एलियन को पकड़ के भाई मिक्स कर लेता अपने अंदर, और वेविक मिल जाएंगे भाई, अल्टीमेट वेविक मिल जाएगा, इविल वेविक भी तुम लोगों ने देखा होगा आज तक असलियत में भी। बेंटन के जब एपिसोड आए थे, बेंटन एक बार ही अपने वेविक उससे लड़ा था, और इसमें भी यही होता है। इसमें बल्कि आपको स्पाइडरमैन मंकी मिल जाएगा, और स्पाइडरमैन स्वाम फायर मिलेगा, स्पाइडरमैन एको, और भी मतलब काफी सारे ऐसे एलियन है जो कि इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। वाटर हैजर्ड मिल जाएगा इसके अंदर आपको देखने में, और इसका नाम मेरे को याद नहीं है, इलेक्ट्रिक कुछ ऐसा नाम था इसका भाई, अल्टीमेट बिग चलो भाई, मैं बड़ा फैन था यार इसका कसम से। आग बना के जो वो बर्फ बना के जो ये आग मारता था ना, बस पूछो मत। देखो इसमें सब कुछ आप कर सकते हो, मतलब कि जो पहले ना देखो क्या था कि बेन टेन ना इतने ज़्यादा पॉपुलर सीरीज रही थी, लेकिन बाद में इसकी इतनी बुरी तरीके से इतनी बुरी तरीके से मात खाई है ना बेचारी इस सीरीज ने कि पूछो मत यार। तो जैसा कि इसमें तुम लोगों को एविल बैन भी देखने को मिल जाएगा, डॉक्टर जोकर और काफी सारे एलियन भाई होने वाले हैं। डॉक्टर की तो तुम्हें पता है स्पाइडर मंकी से कितनी पुरानी दोस्ती है, दुश्मनी कुछ भी कह सकते हो, तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग गेम है। और देखो मेरा सारा नेट भी खर्च हो गया इसको करते करते ना, इनकी वीडियो बनाते बनाते मेरा सारा नेट भी उड़ चुका है।
तो यार थोड़े से बैकग्राउंड को आज इग्नोर कर देना, थोड़ी सी नॉइस है बैकग्राउंड में। और भाई बेविक की जो एंड में फाइट होती है ना वो बहुत ही ओपी होने वाली है, एंड में इसको अल्ट्रामिक्स ट्रिक भी मिल जाता है अच्छा खासा। और इसी के साथ अपने थर्ड गेम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बेंटेन ओमनीवर्स। ये भी काफी अच्छा और काफी पॉपुलर गेम हुआ था बेंटेन सीरीज का, बेंटेन की बचपन की एक सीरीज आई थी उसी का ये गेम था और ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन ये गेम ना मैंने खेला और ना मैंने बेंटेन की छोटी वाली, यार मेरे को छोटा बेंटेन इतना ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन जो बेंटेन भाई बड़ा वाला था ना, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमरेट एक्सेस, सब मेरे को फेवरेट थे भाई, मेरे फेवरेट। लेकिन ये यूनिवर्स मैंने इतना ज्यादा, ओमनीवर्स मैंने इतना ज्यादा नहीं खेला, तो अच्छा गेम है। देखो तुम लोग देख ही सकते हो गेम प्ले मैंने उठाया हुआ है किसी वीडियो से, तो देख लेना अच्छा गेम है, अगर पसंद आए तो खेल लेना, आपके लिंक मिल जाएगी, लिंक मैं दे दूंगा इसकी। इसके साथ अपने आखिरी गेम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बेंटेन एलियन फोर्स विलगेक्स अटैक। ओ भाई क्या ही गेम है चुम्बेश्वरी, आज तक का फेवरेट, और आज भी अगर मैं चाहूँ ना भाई इस गेम को पूरा खत्म कर दूंगा मैं। मैंने इस गेम को इतना ज़्यादा खेला है लिटरली पीसी के अंदर भी, फोन के अंदर भी, पीएसपी तुमको पता हर जगह चली जाता है। इसमें देखो बेसिकली विलगेक्स आता है, विलगेक्स को चाहिए हमारी गाड़ी जो कि उसी की होती है, तो हम उसे वो देते नहीं है, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा विलगेक्स अपने चमचों को बेचता है, चमचों चमाटों को बेचता है अच्छी तरीके, थैनोस का काम करता है एक तरीके विलगेक्स। और भाई क्या फाइट्स हैं यार, क्या सीन्स है इसके अंदर, तुम लोगों को मतलब एक मिनट के लिए भी बोरिंग फील नहीं होगी। जैसे कि तुम लोग अगर इसको गेम को खेलने भी बैठोगे ना तो भाई एक डेढ़ दो घंटे तुम्हारे कहाँ चले जाएंगे लिटरली भाई, सच्ची कह रहा हूँ, तुम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा भाई इसके अंदर। तुम लोगों को देखो ग्राफिक देखो और एलियंस भाई, एलियंस इतने ज़्यादा एलियंस है यार, मज़े आ जाएंगे तुमको। विक्स शेल है, सोम फायर है, डायमंड हैंड, और पता नहीं कितने भाई ये क्या नाम थे, चार्म कास्टर था आई थिंक इसका नाम, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई। एलियन एक्स इसके अंदर मिल जाएगा यार, एलियन एक्स को जब हम कंट्रोल करेंगे तो वापस हमें वहीं पे जाना पड़ेगा जो उनसे सवाल वगैरह पूछते हैं। गोस्ट फ्रीक इसके अंदर भी मिल जाएगा, इसके अंदर भी यार ये हमें परेशानी करता है। इसके अंदर एक और है वो कौन था, वो विलगेक्स का एक चमचा होता है, वो काफी ज्यादा परेशान करेगा भाई इस गेम में आपको। इसके अंदर आपको एविल बैन भी मिल जाएगा, एक जो बैन का हेल्प होता है ना छोटा वाला बच्चा, वो हेल्प करता रहता है, वो भी इसको मिल जाएगी। इसकी भी स्टोरी लाइन मतलब पूरी रियल स्टोरी लाइन होने वाली है। तो बस यार आज चार ही गेम थे, क्योंकि यार तुम लोगों को पता है बेंटेन सीरीज के गेम इतने ज़्यादा नहीं निकले थे, और जो निकले प्ले स्टोर पर बेकार गेम है, तो उन्हें डालने से कोई फायदा नहीं था। तो बस ये वीडियो यहीं तक की थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।